जब इसके शरीर में एक खून का बूंद है तब तक मैं इसका प्रतिकार करता रहूंगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदुओं के दुर्गा देवी मंदिरों का। बेगूसराय में एक बार फिर लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया। लव जिहाद की घटना के बाद बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री, बेगूसराय में एक बार फिर लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया है। लव जिहाद की घटना के बाद बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घटना स्थल का दौरा किया और परिवार से मिलकर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर हमला बोला। जिस भी प्रखंड की आप चर्चा करें, चिड़िया बड़ियारपुर से लेकर के विधानसभा, देघरा विधानसभा, बछवाड़ा से लेकर के बलिया तक, यहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के साथ साथ हमारे दुर्गा की मूर्तियों को भी तबाह और बर्बाद किया जाता है, अपमानित किया जाता है, झूठे मुकदमा में फंसाया जाता है। और एसपी कहते हैं उसका नाम है। आज अगर किसी बलिया में किसी तजिया पर होता तो क्या होता, आज पूरे हिंदू समाज को पीस दिया जाता, एक भी मुस्लिम का नाम नहीं लिया जाता। तो आज बेगूसराय में प्रशासन तुष्टिकरण का नंगा नृत्य कर रहा है। और आज मैं कल से इस जिले के अंदर मेरी जानकारी में 10 बच्चियां लव जिहाद के तरह निकल गई, केस भी नहीं करते, डरा भी दिया जाता। जब मैं प्रतिकार कर रहा हूं, विधायक प्रतिकार कर रहे हैं, पार्टी प्रतिकार कर रहा है, तो रिकवरी भी हो रहा। आखिर क्या कारण, क्या कारण है कि इसी समाज की बेटियां जा रही। तो मैं आज कशहा में आया था लोगों को कहने, हम अपने संस्कार और संस्कृति को भी जगाएंगे, धर्मो रक्षित रक्षिता, अपने धर्म की रक्षा के लिए भी आगे रहेंगे, किसी से डरने की जरूरत। जब इसके शरीर में एक खून का बूंद है तब तक मैं इसका प्रतिकार करता रहूंगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिंदुओं के दुर्गा देवी मंदिरों का, चाहे खातोपुर में शिवलिंग का, अब बताइए शिवलिंग को तोड़ भी दिया, हिंदू को फंसा भी दिया, आज 4 दर्जन हिंदुओं को केस में फंसाया गया। हिंदू डर जाते हैं कि मुझे केस में फंसा दे। मैं इसका भी प्रतिकार करता हूं। नीतीश बाबू ऐसा अन्याय नहीं करें कि चोरी और सीना जोड़ी हमारे दुर्गा की मूर्तियों को अपमानित भी किया जाता है, हमारे शिव के, महादेव के लिंग को तोड़ भी दिया जाता है और उल्टे हिंदुओं को फंसाया जाता है। ये बर्दाश्त से फाजिल है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।